चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, प्रियांशु से, जो कि जिनकी ऑल इंडिया रैंक 245 है, जो कि हरियाणा से हैं। तो प्रियांशु, आपको 245 रैंक के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। तो प्रियांशु के बारे में बता दूं कि प्रियांशु ने ड्रॉप जरूर लिया था, पर उन्होंने फर्स्ट टाइम ही निम सेट दिया था, फाइनल ईयर के साथ निम सेट अपेयरिंग नहीं था। तो प्रियांशु, आपकी जो इंटायर सक्सेस जर्नी है, किस तरह से आपने कब सोचा निम सेट के लिए, किस तरह से आपने इंपिटस के साथ पढ़ाई की, क्या आपका इंटायर एक्सपीरियंस रहा, वो मैं चाहूंगा आप सारी चीजें शेयर करें। सर एक्चुअली जब मैंने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर किया तो साथ साथ मैंने एक डेटा एनालिसिस का कोर्स किया था। तो मेरे को मतलब फैमिली में से किसी से गाइडेंस मिली थी कि भाई अगर ये किया है कोर्स तो आप एमसीए भी कर सकते हो। तो उसके बाद मैंने फिर सर्च किया एमसीए के लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं, एग्ज़ाम कौन से होते हैं। तो उसके बाद मुझे नीमसेट के बारे में पता चला। फिर मैंने 2023 सितंबर में शुरू की थी प्रिपरेशन। और मैंने जो सेल्फ स्टडी किया शुरू में, मैंने आपके जो पिछले साल का 2023 वाला जो मेडिकल कोर्स था ना यूट्यूब पे, वहां से पढ़ाई की थी सर। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने दिवाली टेस्ट सीरीज खरीदी और फिर लगभग मैंने 4 महीने टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज टेस्ट। और सर फिर एंड में रिजल्ट तो है 245 रैंक का ये सर। देखो इम्पिटस का टेस्ट सीरीज भी अपने आप में कंप्लीट कोर्स टाइप का ही है, क्योंकि इसमें टेस्ट सर पेपर, स्टडी मटेरियल, रिवीजन क्लासेस, सब कुछ आपको मिलता है। तो अच्छा ये बताओ, जब आप टेस्ट पेपर देते थे तो आपके स्कोर अप डाउन भी होते होंगे, तो उसको कैसे यस मैनेज सर करते थे और पेपर एनालिसिस कैसे करते थे? सर एक्चुअली जब मैं टेस्ट देता था तो एवरेज स्कोर मेरा 580 के आसपास रहता था, लेकिन कभी कभी वो 360 पे भी आ जाता था। तो तब लगता था कि कम मार्क्स आ रहे हैं कम आ रहे हैं, पर फिर उसमें भी ऐसा लगता था कि वो टेस्ट थोड़ा सा टफ लेवल का है, लेकिन उसमें रैंक अच्छी आ रही थी। तो उससे लगा नहीं मुझे कि मेरा कम मार्क्स आ रहे हैं, मैं डिमोटिवेट तो नहीं हो पाया उनसे। लेकिन और एनालिसिस करने के लिए सर मैं पहले टेस्ट देता था, फिर सर आपकी वीडियो देखी, फिर खुद से जो क्वेश्चंस हैं मेरे को जो बिल्कुल नहीं आ रहे थे उनके सॉल्यूशन को एक दो बार देखा कि कैसे कैसे फॉर्मूला क्या लग रहा है, सॉल्यूशन कैसे किया जा रहा है। तो ऐसे सर मैंने प्रैक्टिस की। मेनली सर मैंने मैथ्स की बहुत ज़्यादा एनालिसिस किए थे टेस्ट के, बाकी तो सर रीजनिंग। तो प्रियांशु, आपकी 245 रैंक पे कितने नंबर थे? वेरी सर मेरे 471.5 मार्क्स आए। गुड। अच्छा प्रियांशु, ये बताओ कि क्योंकि आपने अपने घर पे रहकर पढ़ाई की है, ड्रॉप था, तो ड्रॉप ईयर का कभी ड्रॉप को लेके कोई प्रेशर या नेगेटिव थॉट आया? क्योंकि कई बच्चों के मन में आता है, इसलिए मैं हमेशा क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो बच्चा इस साल ड्रॉप लेने वाला है वो पहले से सोच ले कि अगर ड्रॉप ले रहे हैं तो 100% दे, नहीं तो ना दे। सर एक्चुअली ऐसा तो कुछ मन में आया नहीं, और फिर पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया, बिल्कुल बोला कि तू पढ़ और कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल लग जाएगा लेकिन अच्छे कॉलेज में मिल जाएगा, तो वो 1 साल भी वेस्ट लगेगा नहीं, आगे जाके वो 1 साल भी ऐसे यूज़फुल लगेगा, इसलिए बिल्कुल सही सर बात, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट है, हो लगा गया नहीं। यस वो इन्वेस्टमेंट ईयर हो गया एक तरह सर से। यस सर ठीक है, तो प्रियांशु ये बताइए कि आपका जब एग्जामिनेशन हॉल में गए आप, तो एग्जामिनेशन हॉल में आपका क्या माइंडसेट था, पेपर देखने के बाद क्या थॉट आया, और अगर कोई स्ट्रेस हुआ था तो उसको किस तरह से हैंडल किया? सर एक्चुअली एग्जामिनेशन हॉल में एक टीचर मिले थे मुझे, वो ज़्यादा फ्रेंडली थे, तो जाते ही मेरे को थोड़ा स्ट्रेस रिलीफ तो वहीं हो गया, वो टीचर थोड़ा बात हुई उनसे। तो उसके बाद एग्जाम आया मैथ्स में, सर थोड़ा सा मेरे को लगा थोड़ा सा एक तो प्रीवियस ईयर बहुत कम आए थे इसलिए सर, और बाकी फिर रीजनिंग तो मेरे को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लगती है अपनी, इसलिए रीजनिंग में मेरे को ज़्यादा लगा नहीं। इंग्लिश भी अच्छी थी, कंप्यूटर में थोड़ा टफ था इसलिए थोड़ा कंप्यूटर में डाउन हुए मार्क्स, बाकी तो सर ऑल ओवर मॉडरेट क्वेश्चन पेपर था। तो प्रियांशु ये बताओ कि आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे, स्पेशली जो बहुत लेट सोचते हैं कई बार, जैसे आपने थोड़ा लेट, मतलब आपने अगर 23 में प्रॉपरली पढ़ाई की होती तो हो सकता था ड्रॉप नहीं लेते, तो आपका क्या मैसेज होगा? एक्चुअली मैसेज तो ये होगा कि या तो अपना टाइम से डिसीजन ले लें पहली बात, तो फिर दूसरा अपना कोर्स अच्छे से चूज करें कि कौन सा कोर्स में एनरोल करना है, और ज्यादा से ज्यादा टेस्ट दें, मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा से ज्यादा, बिल्कुल कम से कम 60-70 मॉक टेस्ट दें,
और जो कि इम्पीटियस गुरुकुल पे अभी हमारे जो दिवाली टेस्ट सीरीज थी उसमें 60 मॉक टेस्ट हुए थे। तो सर मैंने ऑलमोस्ट 40 to 45 मॉक टेस्ट और वही दिए थे, इसके अलावा टॉपिक वाइज टेस्ट और बाकी सारे टेस्ट भी दिए थे। बिल्कुल सही बात है। और टेस्ट पेपर देने के अलावा उनके एनालिसिस पे भी बहुत काम करना है, तो आप किस तरह से एनालिसिस करते थे? सर एक्चुअली मैं एनालिसिस करता था, पहले तो आपकी वीडियो देखता था, उसके बाद जो मेरे क्वेश्चन रॉन्ग होते थे, बिल्कुल ही समझ में नहीं आते थे, उनको 2 3 बार ट्राई करके दिखता था, और फिर आंसर साथ साथ आंसर भी देते और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते, उनमें देखता था ऐसे सर एनालिसिस क्या आना टेस्ट का। चलिए, बिल्कुल सही बात है प्रियांशु। प्रियांशु, अगर आपकी मम्मी हो या पेरेंट्स हो तो मैं चाहूंगा कि उनको भी बधाई दी जाए। जी नमस्कार। नमस्ते भैया। जी सबसे पहले तो प्रियांशु की रैंक के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू भैया, कैसा लग रहा है अब आपको प्रियांशु की सफलता को देखते हुए? चलिए, बहुत अच्छा। बिल्कुल वो तो आपके चेहरे की खुशी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं, और प्रियांशु भी अब ये NIT में भी जाके ऐसे ही परफॉर्म करें, यही शुभकामनाएं दूंगा। बन सके एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। अच्छी बात है जी, उत्साह जी जी के न निकला जी 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 ना। और मैं तो यही करूँ, यही मेहनत करना भी आप भी, बिल्कुल सही तो बात है। तुम्हारी भी तमन्ना तो पूरी हो जाए, बच्चा जी सही जी रैंक जी बता। जी 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 चलिए जी, थैंक यू।